गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार आप सभी को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सब्जेक्ट में अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र दिया हुआ है, जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब बचपन में हम छोटे थे तो अपने छोटे भाई बहन को किसी को एक चेयर पे बैठा दिया करते थे और एक कपड़े से उसको पीछे से वार किया करते थे, मारते थे। और कुछ देर के बाद हम देखते थे कि जब उसके स्किन को हम टच करते थे तो हमें एक जोर का झटका लगता था और हम खुश हो जाते थे। हो सकता है आपने किया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम क्लास में पढ़ते समय बोर हो जाते थे तो क्या करते थे कि एक स्केल लेते थे और कुछ देर तक उसको अपने बालों से रगड़ते थे। बालों से रगड़ने के बाद एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े को फाड़ते थे और जब हम कागज के टुकड़े के पास उसको ले जाते थे तो वो कागज के टुकड़े को उठा देता था और हमें काफी इससे आनंद मिलता था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, और आपने अपने घरों में देखा होगा कि सर्दियों के समय में जब आप स्वेटर उतारते होंगे तो एक चरचर की आवाज आती है और उससे कभी कभी चमक भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं क्या है, ये कैसे हो रही हैं? तो साइंटिस्टों ने जब ये सब सारी घटनाएं के बारे में जानकारी हासिल की तो बताया कि पदार्थों में कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ये होता है। अब वो आवेश जो आ रहा है उसके बारे में उनके जो गुण है उनके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो सारे कहे जाते हैं स्थिर विद्युत की। अभी स्थिर विद्युत क्या है? स्थिर विद्युत के अंदर बच्चों हम विद्युत आवेश के सभी गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान की एक शाखा है। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल हम पढ़े हैं, जैसे कि कपड़े से चरचर की आवाज आना, गर्जन के दौरान बादलों में तड़कने की आवाज आना, बिजली तड़कती है, और ऐसे जो हम एग्जाम्पल देखे कि जैसे स्केल से उठा रहे हैं तो कोई कागज के टुकड़े को स्केल उठा पा रहा है, तो ये सारे जो कारण हैं उनको साइंटिस्टों ने एक रीजन दिया कि ये सभी स्थितियां स्थिर विद्युत के कारण हो रही है। चलिए ठीक है, इतना पता चल गया कि स्थिर विद्युत के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं। अब हमें बेसिकली इसमें मेन क्या पढ़ना है, वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया दो ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, दुनिया यानी प्रकृति। पहला है पदार्थ के रूप में, दूसरा है तरंग के रूप में। अगर हम बात करें कि तरंग के रूप में, तो तरंग यानी जिसका कोई द्रव्यमान ना हो और उसका कोई आयतन ना हो, उसे हम तरंग कहते हैं। इसको हम देख भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कब? जैसे सूर्य से हमें रोशनी मिल रहा है तो वो किस माध्यम में मिल रहा है? तरंग के माध्यम में मिल रहा है। अब दूसरा जो टाइप है वो है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ का कुछ न कुछ अपना आयतन होता है और इसका कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का एक विशेष गुण होता है कि वो किसी भी दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। अब बल भी दो प्रकार के हैं, पहला है गुरुत्वाकर्षण और दूसरा है विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। पहले समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ही शक्तिशाली बल होता है जो किसी दूसरे पदार्थ पर बल अधिक लगा सकता है। जैसे कि हम समझते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो वो लगातार लगा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है, तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये कारण है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी किसी पदार्थ में तभी लगता है जब उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। अब देखिए, अब जैसे हम ये पेन लिए हुए हैं, मार्कर लिए हुए हैं, तो अगर हम अभी नीचे इसको गिराएंगे तो ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको अपने तरफ खींचेगी, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इस पेन से काफी अधिक है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब देखिए, अगर हम इसी को जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे हम लिखे नहीं ऐसे रख दिए तो ये इंक नीचे नहीं आ रहा है।
इंक नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, पृथ्वी को खींच लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरा बल काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बल काम कर रहा है वो है घर्षण। घर्षण बल के कारण ये इंक नीचे नहीं आ पा रहा है। सेम इसी टाइप से जब अपने घर पे आप पेन और पेपर का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेन को आप जब कागज के पास ले जाएंगे तो देखेंगे कि उस कागज को पेन नहीं उठा पाएगा। लेकिन अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप जब उसको अपने बालों से रगड़ेंगे कुछ देर तक, घर्षण करेंगे, तब कागज को उठाएंगे तो देखेंगे कि वो उठा पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो कागज को पेन उठा पा रहा है वहां पे एक दूसरा बल लग रहा है, वो कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, वो कौन सा बल लग रहा है, विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें विद्युत आवेश आ जा रहा है, और विद्युत आवेश कहां से आ रहा है, घर्षण के द्वारा। थैंक यू।